हेलो एवरीवन, आज हम लाभ और हानि पर आधारित इस तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे, सीखेंगे कि इस तरह क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस तरह के हम सभी क्वेश्चन का आज आपका डाउट क्लियर हम कर देंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु 750 रुपये में खरीदी गई और 650 रुपये में बेच दी गई तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। खरीदी कितने गई उसको बोलते हैं CP, अब बेची कितने गई उसको बोलते हैं SP। CP का मतलब है कास्ट प्राइस, CP का मतलब क्या होता है कास्ट प्राइस, और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना दिया है 750 रुपये दिया है यहाँ पे, और कितने का बेचा गया है SP बेचा कितने गया है ये 600 रुपये का बेच दिया गया है। इसका मतलब 750 सामान जब 600 में बेचा जाएगा तो निश्चित रूप से उसको घाटा हुआ है, उसे कम पैसे में बेचा है, तो इस अंतर को क्या बोलते हैं हानि बोलते हैं। हानि कितना हो जाएगा 750 में 600 माइनस करना होगा, आखिर कितना कम पैसे लेकर उसने बेचा है, कितना आ जाएगा अंतर 150 रुपये का अंतर आ जाएगा। 750 में 600 का मतलब 150 रुपये, मतलब आप ये समझ गए कि 150 रुपये कम लेकर के सामान को बेचा क्या है। अब पूछा क्या है यहाँ पे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का मतलब होता है कि सामान कितने में कम में बेचा गया उसका वैल्यू होता है हानि बटा के CP इंटू 100। मतलब हर वस्तु का जब क्रम पर ही काउंट किया जाता है, चाहे वो हानि हो चाहे वो लाभ हो। अगर लाभ प्रतिशत की बात करेगा तो लाभ गुणे 100 बटा के CP करेंगे, हानि प्रतिशत कर रहा था हानि बट गुणे 100 बटा के CP। ये हमारा फॉर्मूला है। कितने का हानि हुआ है 150 रुपये का हानि हुआ है, कितने रुपये पे हुआ है 750 का सामान था उस पर 150 रुपये कम लिया गया है, गुणे 100 हो जाएगा। 1 0 1 0 कट गया, 15 के टेबल 75 पाँच बार में आएगा, अब 5 से काटेंगे तो 5 2 10 0, मतलब 20% का उसको हानि हुआ है। क्या हुआ इसको हानि हुआ है। तो ये जो काउंटिंग मैंने किया किस पे किया CP पे किया, और CP पर ही किया ही जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 20% उसको हानि हुआ है। किस पे, जब चीज़ों को 750 खरीद करके 600 रुपये का बेचा जाएगा। बात समझ में आया। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छा क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई और 750 रुपये बेच दी गई। मैंने प्रयास किया है पिछले क्वेश्चन का उल्टा कराने का, आइए देखते हैं। और कह रहा है तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना हुआ, आइए देखते हैं। इस बार CP और SP को फिर से नोट कर लें। CP कितना यहाँ पे 600 रुपये हैं और कितने बेचा गया है 750 का, तो ये इसका SP हुआ। इस बार उल्टा हो गया सामान, क्या उल्टा हो गया है 600 खरीदा गया सामान 750 का बेचा जा रहा है, मैंने अधिक दाम में बेचा जा रहा है। अगर अधिक बेचा जाएगा उसे ही लाभ कहते हैं। तो लाभ कितना हो गया, इस बार 750 में से 600 माइनस करेंगे, जो जब अधिक पैसा पा गया वही उसका लाभ है। कितना अधिक पाया 150 रुपये का अधिक अमाउंट उसको फायदा हुआ है। लाभ प्रतिशत जैसा मैंने पिछले पे क्वेश्चन बताया कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, अगर प्रतिशत की बात करेगा तो लाभ हमेशा काउंटिंग इस पर किया जाता है CP पर किया जाता है, गुणे 100 करना पड़ेगा, लाभ गुणे 100 बटा के CP। कितना लाभ हुआ है 150 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है 600 रुपये पैसा लाभ हुआ है, सामान तो 600 का ही था ना, गुणे कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, गुणे कितना करना 100 करना पड़ेगा। ये 100 से 600 6 1 में कट जाएगा, 6 2 12 कटेगा, और 6 5 कितना कटेगा भाई 6 2 12, और यहाँ बचा कितना 3 0 6 5 30, मतलब क्या हुआ 25% का लाभ होगा। मतलब आपने आज सीखा कि चीज़ों को अधिक दाम में बेचा जाए तो लाभ होता है, कम में दाम में बेचा जाए तो हानि होता है, कितना लाभ होता है कितना हानि होता है उसका कैलकुलेशन हम लोग CP पे आधारित करते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा 25%। आपको कैसा लगा क्वेश्चन, क्या आप सीख पाए, अपना महत्वपूर्ण सुझाव अपने विचार कमेंट सेक्शन देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहली बार आए हैं अगर तो सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल घंटी को भी दबा दें, अधिक लोगों को शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।